हम जा रहे हैं डिस्कस करने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थर्मल स्ट्रेसेस। बहुत लोग, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है। आज हम थर्मल स्ट्रेसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं मात्र 2 मिनट में। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ देने जा रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने ध्यान में रखा तो थर्मल स्ट्रेसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप रात को 2 बजे उठकर भी सॉल्व कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस वीडियो में बने रहिएगा और थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। मेरा नाम है अरविंद, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। दोस्तों हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो के देखने के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको करते रहिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में या कंटेंट में, कुछ और कंटेंट आपको चाहिए तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस की। अब थर्मल स्ट्रेसेस होता क्या है, एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक बार है, राइट। अब मान लो ये बार का मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं। अगर मैं इस बार का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इस पे क्या इफेक्ट होगा? इस बार का टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द लेंथ ऑफ दिस बार विल इंक्रीज, द साइड्स ऑफ द बार विल इंक्रीज, राइट। अभी मान लो मैं इस बार को हीट कर रहा हूं तो इस बार में कोई स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है क्या? थर्मल स्ट्रेस की बात जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होता है। अभी इस बार की अपन बात कर ले, इस बार को यदि मैं हीट कर रहा हूं तो क्या यहां पे कोई थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगी क्या? दोस्तों स्ट्रेस कब इंड्यूस होगा? जब वहां पे कोई फोर्स आएगा। अभी यदि आप इस बार को हीट कर रहे हो तो इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम ये होगा कि ये बार की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, राइट। चलिए अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं थोड़ा चेंज करता हूं और इस बार की एक साइड को मैं कंस्ट्रेंट कर दे रहा हूं, इस बार की एक साइड को मैं कंस्ट्रेंट कर दे रहा हूं। अब अगर मैं इस बार को हीट करूं, अब यदि मैं इस बार को हीट करूं तो इस बार में कोई स्ट्रेस इंड्यूस होगा क्या? अभी भी इस बार में कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इस बार को मान लो इस बार का टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया डेल्टा टी, तो इस बार में इलोंगेशन, इस बार में इलोंगेशन इंड्यूस होगा, दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी। एल इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, L इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बार, ये जो ओरिजिनल लेंथ है बार की दैट इज L। अल्फा इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, जो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आपने यूज किया। अगर स्टील है तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कॉपर है तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। डेल्टा टी यानी कि आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया। अभी अगर मैं इस बार को हीट कर रहा हूं तो इस बार का चेंज इन लेंथ होना चाहिए एल के बराबर, और ये साइड जो है वो ओपन है, तो जो इलोंगेशन होना चाहिए था वो इलोंगेशन अभी रिस्ट्रेन नहीं हुआ, वो इलोंगेशन अभी रिस्ट्रेन नहीं हुआ, तो अभी भी इस बार में कोई थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। अब एक काम अपन और कर लेते हैं, अब इस बार में हम इस साइड को भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं, अब यदि मैं इस बार को हीट करता हूं, अब यदि मैं इस बार को हीट करता हूं तो ये बार में इलोंगेशन होना चाहिए था कितना? एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर, लेकिन ना तो ये बार लेफ्ट साइड में यील्ड कर सकता है ना राइट साइड में यील्ड कर सकता है, यानी कि बार नेचुरली चाहता है कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, लेकिन यहां पे 2 कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं जो इसकी लेंथ को चेंज होने नहीं दे रहे। यहां 2 कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं जो इसकी लेंथ को चेंज होने नहीं दे रहे, या ऑन द अदर हैंड हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे एक स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है जो इसकी लेंथ को
एल अल्फा डेल्टा टी से रिड्यूस कर देता है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसको इस्तेमाल करके आप थर्मल स्ट्रेस का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जिसको यूज करके आप थर्मल स्ट्रेस का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। चलो क्या है वो फॉर्मूला, आप चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखते हो? सपोज ये बार है, सपोज ये बार है और यहां पे हमने फोर्स लगाया एफ, तो आप इस बार के चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखते हो? चेंज इन लेंथ आप लिख लेते हो एफ एल अपॉन ए। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, चेंज इन लेंथ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय ए इनटू ई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन बच्चों यदि 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 इस बार को मैं टेम्परेचर में भी सब्जेक्ट कर दूं, और मान लो मैं इसके टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ा दूं, डेल्टा टी बढ़ा दूं, तो अब जो फॉर्मूला मेरे को लिखना है वो मेरे को लिखना है एफ एल ए अपॉन ए ई प्लस माइनस एल अल्फा डेल्टा टी, प्लस माइनस एल अल्फा डेल्टा टी। यानी कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहां पे आप जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला लिखोगे वो फॉर्मूला होगा एफ एल अपॉन ए प्लस माइनस एल अल्फा डेल्टा टी, दैट्स इट। एफ एल अपॉन ए प्लस माइनस एल अल्फा डेल्टा टी, प्लस कब करेंगे? प्लस डेल्टा टी व्हेन बॉडी हीटेड। अगर बॉडी को आप हीट कर रहे हो तो आप वहां पे प्लस एल अल्फा डेल्टा टी करोगे और माइनस डेल्टा टी करोगे जब बॉडी इज कूल्ड। यानी कि यदि आप बॉडी को हीट कर रहे हो तो आपका चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बन जाता है एफ एल अपॉन ए प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, और यदि आप बॉडी को कूल कर रहे हो तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा एफ एल अपॉन ए माइनस एल अल्फा डेल्टा टी। दोस्तों बस आप इस एक फॉर्मूले को ध्यान में रखो और थर्मल स्ट्रेस का कोई भी सवाल, थर्मल स्ट्रेस का कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, प्रोवाइडेड कि बाकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए जो मैं यहां पे आपको इस चैनल पे करवाऊंगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ये इस बार का मेरे को चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना था, आई नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ दिस बार। अब मैं मान लेता हूं सपोज कि यहां पे एक फोर्स आ रही है एफ, रिएक्शन फोर्स आ रही है। देखो ये वॉल क्या कर रही है, ये वॉल जो है इस बार को एक्सटेंड नहीं होने दे रही, यानी कि ये बार जो है वो एक रिएक्शन फोर्स यहां पर अप्लाई कर रही है, जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है दैट इज एफ। अब इस बार का चेंज इन लेंथ आप निकाल लो, अभी हमने क्या किया, इस बार के टेम्परेचर को प्लस डेल्टा टी बढ़ा दिया। अब इस बार का चेंज इन लेंथ क्या होगा, एफ एल अपॉन ए, राइट? कितना फोर्स आ रहा है इस बार एडी में, कितना फोर्स आ रहा है इस बार एडी में, उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एडी में एक पॉइंट ले लूंगा और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखूंगा या राइट साइड में देखूंगा। चलो मैं लेफ्ट साइड में देखता हूं, तो यहां पे मेरे को एक कॉम्प्रेसिव फोर्स एफ दिख रहा है, तो ये बार एबी में कितना फोर्स आ रहा है, माइनस एफ, लेंथ इसका एल है अपॉन ए, राइट? और आपने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो प्लस क्या कर दोगे आप, एल अल्फा डेल्टा टी। What is L? L is the change in length of this bar. L is the change in length of this bar. And what is the change in length of this bar? ये AB का length कितना change हुआ? A और B दोनों fixed end हैं। यानी कि AB के length में कोई change नहीं हुआ। So this sums equals to zero. So what I got? Minus F. L से L cancel out हो गया। AE plus alpha delta t.
So what I got? F by A is equals to E alpha delta t. Right? So what is the force in this member? That is force kitna aaya? AE alpha delta t. Or stress kitna induce hua? Stress kya hota hai? Force divided by area. So stress aaya E alpha delta t. बेटा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला याद कर लेते हैं. क्या फॉर्मूला? थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी. नो मैन, इट इज नॉट अ फॉर्मूला. ये कोई फॉर्मूला नहीं है. इट इज नॉट अ फॉर्मूला. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. अगर आपको कोई फॉर्मूला याद करना है तो इधर देखिए, फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको लिखाया है. फॉर्मूला है एफ एल अपॉन ए प्लस माइनस एल अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार. सो दैट इज द फॉर्मूला जिसको आप यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. लेकिन मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो एज अ फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी. दोस्तों अभी जो हमने कंडीशन कंसिडर करी है जिसमें दोनों एंड फिक्स्ड है, वहां पर थर्मल स्ट्रेस जो है वो ई अल्फा डेल्टा टी आ रहा है. Always thermal stress will not be equal to E alpha delta T. जो चीज चेंज नहीं होगी वो मैंने आपको बताया. ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा, प्रोवाइडेड कि जो लोड लग रहा है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट्स हो. तो ये फॉर्मूले को यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. ये आप ट्राई करके लाएंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. देर इज अ इलास्टिक बार एबी. एबी इज अ इलास्टिक बार. एबी जो है वो एक इलास्टिक बार है और O M a rigid bar. O M a rigid bar. O M a rigid bar. बच्चों अगर मैं मान लो इस असेंबली का टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये बार ए बी में कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा? ये OM एक हिंज बार है. OM जो है वो रिजिड है. अगर मैं इसका टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी इंक्रीज कर देता हूं तो इस बार AB में कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा, और कैसे होगा वो आप निकालेंगे. आंसर मैं आपको बता देता हूं. यहां पर बार AB में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा दैट वुड बी जीरो. ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि AB में स्ट्रेस जो है वो जीरो क्यों होगा. चलिए ये सवाल नहीं है, होमवर्क के लिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं. एबी and CD are identical elastic bar. I am increasing the temperature by plus delta T. You have to find out the stress in bar AB and stress in bar CD. ये आपका homework है, इसको आप solve करने की कोशिश करेंगे. तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करिए. एंड आई होप कि मेरा इलास्टिकली इंडिटरमिनेट का लेक्चर आपने देखा होगा और जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया वो दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे. तो दो सवाल मैंने आपको दिए. ये एक सवाल है जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी और उससे पहले मैंने आपको एक ये सवाल दिया था. इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि एबी में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा
दैट वुड बी जीरो। आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि वाई सिग्मा ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों अभी हमने जो डिस्कस किया है आई होप कि दैट इज क्लियर टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों हमारा टेक मेंटर का ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो ऐप को आप डाउनलोड करिए। उसमें आपको गेट की फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसके अलावा बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको वहां पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन दिया था उसको हम सॉल्व करेंगे और इसके अलावा कुछ नए कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।